As we have already studied, Rutherford model had some drawbacks. To remove those drawbacks, Bohr gave a model, which was called Bohr's model. So in this video, we will study about the Bohr model. Okay, let's see. देखिए बोर मॉडल क्या था उसके हम कुछ पोस्टुलेट्स की बात करेंगे यहाँ पर इस वीडियो में. बोर ने अपने मॉडल में कुछ पोस्टुलेट्स दिए थे एंड द फर्स्ट पोस्टुलेट वॉज एन एटम कंसिस्ट ऑफ अ स्मॉल हैवी पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस इन द सेंटर एंड इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड इट इन अ सर्कुलर ऑर्बिट. देखिए इसमें फर्स्ट पोस्टुलेट में कहा गया कि यहां समझते हैं हम इस चीज को कि हमारे पास में बिल्कुल सेंटर में एक न्यूक्लियस होता है. ठीक है, एटम जो है कंसिस्ट ऑफ अ स्मॉल हैवी पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस. इसके अंदर एक स्मॉल हैवी पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस होता है सेंटर में और इलेक्ट्रॉन जो है वो एक सर्कुलर ऑर्बिट के अंदर इस न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व करता रहता है लाइक दिस. ठीक है ना, इस तरह से इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता रहता है. तो दिस इज न्यूक्लियस एंड दिस इज इलेक्ट्रॉन. इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व राउंड द न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियस इज सिचुएटेड इन द सेंटर. सो इट वॉज द फर्स्ट पॉस्टुलेट. सेकेंड पॉस्टुलेट इज इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व ओनली दोज ऑर्बिट्स विच हैव फिक्स्ड वैल्यू ऑफ एनर्जी. इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है जिनकी एनर्जी फिक्स होती है. ठीक है, एंड दीज ऑर्बिट्स आर कॉल्ड एनर्जी लेवल्स. इन ऑर्बिट को हम एनर्जी लेवल कहते हैं. दे आर नंबर्ड एज 1, 2, 3, 4 एक्सेट्रा और डेजिग्नेटेड एज KLMNOP. इसे समझते हैं. देखिए इसने कहा इलेक्ट्रॉन जिन सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करता है, जैसे ये हमारे पास न्यूक्लियस है और यहां मैं कुछ सर्कुलर पाथ बना रहा हूं, ये सर्कुलर पाथ है और यहां पर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है. तो यहां पर कहा गया है कि ये जो ऑर्बिट्स हैं इनको हम ऑर्बिट्स कह रहे हैं, इनकी जो एनर्जी है दे हैव फिक्स्ड वैल्यू ऑफ एनर्जी. ठीक है, इनकी एनर्जी फिक्स है. जैसे फर्स्ट है मैं इसको n इक्वल्स टू 1, सेकेंड है इसको मैं कह रहा हूं n इक्वल्स टू 2, थर्ड है n इक्वल्स टू 3 और फोर्थ है n इक्वल्स टू 4. तो यहां n किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ऑर्बिट को. दूसरी बात ये भी ध्यान रखनी है, इन ऑर्बिट को हम क्या कह रहे हैं, इन ऑर्बिट को हम एनर्जी शेल कहते हैं. ध्यान रखें इन्हें एनर्जी लेवल कहते हैं, सॉरी, और स्टेशनरी स्टेट भी कहते हैं. ध्यान रखें एनर्जी लेवल एंड स्टेशनरी स्टेट. और इनको या तो हम 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह से डेजिग्नेट करेंगे या फिर हम इन्हें KLMN इस तरह से शो करेंगे. और दूसरी बात जो इसमें बताई गई है कि हर शेल की या हर एनर्जी लेवल का अपना एक एनर्जी होती है. जैसे फर्स्ट जो एनर्जी लेवल है आपके पास उसकी एनर्जी कम है, जैसे जैसे आप न्यूक्लियस से दूर जाते जाएंगे वैसे वैसे उसकी एनर्जी जो है वो इंक्रीज होती चली जाएगी. ठीक है ना, तो यहां पर KLMN ये क्या शो कर रहा है आपके पास में, स्टेशनरी स्टेट शो कर रहा है. ठीक है, और एनर्जी को भी शो कर रहा है. अभी इसके बारे में हम आगे भी नेक्स्ट पॉइंट के अंदर पढ़ेंगे कि एनर्जी का ऑर्डर क्या होगा. अभी तो हमें ये समझना है कि जिस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है उसकी एनर्जी फिक्स है. ठीक है, जैसे n इक्वल्स टू 1 ऑर्बिट की एनर्जी फिक्स है, 2 की एनर्जी फिक्स है, 3 की एनर्जी फिक्स है. अब हम बात करते हैं कि ये तो एनर्जी की बात होगी. अब ये जो एनर्जी होती है इनकी, द एनर्जी ऑफ डिफरेंट स्टेशनरी स्टेट्स जिनको हम एनर्जी लेवल कह रहे हैं, इन केस ऑफ हाइड्रोजन एटम आर गिवन बाय. अगर मुझे हाइड्रोजन एटम की एनर्जी फाइंड करनी है तो उसके लिए ये फॉर्मूला दिया गया जिसे बोर फॉर्मूला कहते हैं. यहां इनका मतलब हमें पता होना चाहिए. देखिए पाई बताइए हमें, एम जो है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ई चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सॉरी नंबर ऑफ शेल, एंड एच जो है यहां पर प्लैंक कांस्टेंट है. तो अगर इन सब की वैल्यू आप यहां पर पुट करते हैं तो आप बता सकते हैं कि उस शेल की एनर्जी क्या होगी. ठीक है, अब अगर मान लीजिए मैं ये सारी वैल्यू पुट कर देता हूं, एन को छोड़ करके बाकी सारी वैल्यू पुट करता हूं, तो हमारे पास में जो फॉर्मूला बनेगा एनर्जी फाइंड करने के लिए, जूल पर एटम में तो ये फॉर्मूला आप यूज में लेंगे. ठीक है, और इलेक्ट्रॉन वोल्ट एटम में आप ये फॉर्मूला यूज में लेंगे, और किलो जूल पर मोल के अंदर आप ये फॉर्मूला यूज में लेंगे. तो ध्यान रखिए बेटा एनर्जी फाइंड करने के ये तीनों फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है, इनसे न्यूमेरिकल पूछा जाता है. ठीक है, अब एक्चुअली ये जो फॉर्मूले मैंने लिखे हैं तीनों फॉर्मूले, ये इसका सिंप्लीफाइड फॉर्म है. मतलब इस फॉर्मूले का सिंप्लीफाइड फॉर्म ये है. इसके अंदर आप वैल्यूज पुट करेंगे, भाई
मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना, प्लांक कांस्टेंट, ये सारी वैल्यू पुट करेंगे फिर सॉल्व करेंगे। तो अगर आप जूल में लेते हैं तो ये आएगी वैल्यू, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ये आएगी और किलो जूल में ये आएगी। तो अब न्यूमेरिकल कैसे पूछा जाता है? न्यूमेरिकल इस तरह से पूछा जाता है कि आपको दे दिया जाए कि बताइए कि जो इलेक्ट्रॉन है वो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन थर्ड शेल के अंदर अगर रिवॉल्व कर रहा है, एन इक्वल्स टू अगर 3 है, तो उसकी जूल पर एटम में एनर्जी बताइए कितनी होगी। तो यहाँ एन की वैल्यू 3 पुट करनी है आपको, तो इसकी एनर्जी आ जाएगी आपके पास। या फिर आपको कहा जाए इलेक्ट्रॉन वोल्ट में फाइंड करो, तो यहाँ 3 लगा दो, या आपको शेल गिवन है उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर आंसर फाइंड कर सकते हैं। तो ये चीज आपको समझ में आ गई है? अगर हमें एनर्जी फाइंड करनी है किसी भी शेल के लिए तो ये 3 फॉर्मूले हम यूज में लेते हैं। कॉम्पिटिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप कॉम्पिटिशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपको ये फॉर्मूला भी ध्यान रखना है, ठीक है ना? ये फॉर्मूला ध्यान रखना है, और इनकी सिंप्लीफाइड फॉर्म ये है, ये न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए काम में आता है, ठीक? तो ये वैल्यू सब्सिट्यूट करने पर ये काम में आ रही है। अब ये जो मैंने वैल्यू बताई है बेटा, ये चीज ध्यान रखना है, ये केवल हाइड्रोजन के लिए है। ये फॉर्मूला जो मैंने बताया है इट इज ओनली फॉर हाइड्रोजन, ठीक है, और ये भी हाइड्रोजन के लिए ही है। लेकिन अगर मान लो हमारे पास में कोई यूनि इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, ठीक है, हाइड्रोजन की तरह एक इलेक्ट्रॉन रखने वाली कोई स्पीसीज है, और उसमें किसी शेल की एनर्जी अगर हमें फाइंड करनी है तो उसके लिए हमें क्या करना है, थोड़ा सा डिफरेंट फार्मूला काम में लेना है, वो ये है। हमने यहाँ एक ही चेंज किया है क्योंकि हम कह रहे हैं हाइड्रोजन के अलावा कोई दूसरा होना चाहिए, तो हाइड्रोजन के अलावा तो नेचुरल है कि उसका एटॉमिक नंबर चेंज होगा, हाइड्रोजन का 1 होता है, तो हमने ये फार्मूला काम में लिया। अब अगर हाइड्रोजन के अलावा है तो हमें वो एटॉमिक नंबर के लिए जेड एक्सप्रेशन और काम में लेना पड़ेगा। तो अगर हाइड्रोजन के अलावा है तो हमें यहाँ पर ध्यान रखिए बेटा जेड और यूज में लेना पड़ेगा, सेम फॉर्मूला है, बस फर्क ये है कि हमने यहाँ पर जेड स्क्वायर लगा दिया, ठीक है? तो नेचुरल है, जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास जो फॉर्मूला बनेगा उसमें भी जेड स्क्वायर आएगा। तो ये सेम फॉर्मूले जो हमने हाइड्रोजन के लिए लिए थे, अगर मैं यहाँ पर जेड स्क्वायर से और मल्टीप्लाई कर दूं इनको, तो वो किसी भी स्पीसीज के लिए काम में आ सकते हैं। जैसे जैसे कौन सी स्पीसीज, हीलियम प्लस आयन, लिथियम 2+ आयन। लेकिन ध्यान रखने वाली बात है इन सब में एक एक इलेक्ट्रॉन है, हीलियम में 2 होते हैं लेकिन प्लस आयन है, दैट मीन्स एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हो चुका है हीलियम में, तो अब कितना बचता है, एक इलेक्ट्रॉन बचता है। लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है, ठीक है, तो इसमें 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं लेकिन प्लस 2 है, दैट मीन्स 2 इलेक्ट्रॉन हैज ऑलरेडी बीन रिमूव्ड, तो अब एक ही इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो इसके लिए जो आपके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो एक ही है लेकिन शेल वो एन की जेड की वैल्यू डिफरेंट हो जाएगी, एटॉमिक नंबर डिफरेंट हो जाएगा, जो हम यहाँ जेड की जगह पुट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात करें, हाँ, एनर्जी की हम बात कर रहे थे शेल में कि डिफरेंट शेल के अंदर एनर्जी डिफरेंट होती है। तो आप देखिए यहाँ पर अगर हम थोड़ा ध्यान दें तो जो एन है यहाँ पर, एन स्क्वायर आ रहा है हमारे पास में, तो एनर्जी में और एन स्क्वायर में क्या रिलेशन है, ई एन इक्वल्स टू -1/n² ये आ रहा है, ठीक है। तो अगर मान लीजिए मैं यहां पर n की वैल्यू पुट करता जाता हूं, ठीक, तो नेचुरल है कि ई एन की वैल्यू क्या होती जाएगी, आती जाएगी हमारे पास, क्योंकि यहाँ साइन जो है मेरे पास नेगेटिव है, ध्यान रखना। तो अगर इसकी वैल्यू यहां पर डिक्रीज होती है तो यहाँ ई एन की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज होगी, ठीक है। तो कुल मिलाकर के अगर मैं इसको नेगेटिव साइन को हटाऊं तो मैं इसे यूं भी तो ले सकता हूँ, यूं कह सकता हूँ कि ई एन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एन स्क्वायर के, क्योंकि नेगेटिव वैल्यू के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो पॉजिटिव के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे नंबर ऑफ शेल बढ़ेगा वैसे वैसे एनर्जी भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो अब आप देख सकते हो, जैसे अगर मान लीजिए अपन एनर्जी की बात करें, तो अगर शेल की बात करें तो फर्स्ट शेल की एनर्जी सबसे कम है, सेकेंड शेल की एनर्जी उससे ज्यादा, थर्ड शेल की उससे ज्यादा, फोर्थ शेल की एनर्जी उससे ज्यादा। तो इस तरह से एनर्जी इंक्रीज होती जाएगी जब आप शेल बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। और इसी तरह से अगर आप के एल एम एन से शो करते हैं तो के एल एम एन, इस तरह से एनर्जी इंक्रीज होती जाएगी अब इस डायरेक्शन में जा रहे हैं तो आप, ठीक है। तो ये बात हो गई हमारी इस पॉइंट की। अब हम बात करते हैं रेडियाई ऑफ द स्टेशनरी स्टेट्स ऑफ हाइड्रोजन एटम। अगर हमारे पास में कोई स्टेशनरी स्टेट है जहां पर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, किसी एक पर्टिकुलर ऑर्बिट के अंदर रिवॉल्व कर रहा है, तो वहां उसकी रेडियस कैसे फाइंड करें, उस घूमते हुए इलेक्ट्रॉन की जो शेल है उसकी रेडियस कैसे फाइंड करें। तो उसके लिए हाइड्रोजन जैसे पार्टिकल के लिए एक फॉर्मूला दिया गया था, ठीक है, और वो हाइड्रोजन के लिए तो ये फॉर्मूला है हमारे पास आर एन
ए नॉट एन स्क्वायर, ठीक है, जहां ए की वैल्यू क्या है आपके पास 52.9 पिकोमीटर, ठीक है। तो यहां अगर आप 52.9 पिकोमीटर रख देते हैं और एन स्क्वायर की वैल्यू पुट करते हैं तो आपके पास रेडियस आ जाएगी, और यहाँ एन क्या है, एन है नंबर ऑफ शेल, ठीक है, जिस शेल में घूम रहा है उसकी रेडियस आ जाएगी आसानी से। और अगर हमारे पास हाइड्रोजन जैसी कोई दूसरी स्पीसीज है, जैसे मैंने अभी बताया था आपको हीलियम प्लस आयन, लिथियम प्लस आयन जैसी कोई स्पीसीज है, तो वहां पर जेड को और आप यूज में लेंगे। जैसे हीलियम के लिए जेड की वैल्यू 2 हो जाएगी, लिथियम के लिए जेड की वैल्यू 3 हो जाएगी, और हाइड्रोजन के लिए 1 होती ही है, ठीक है। और एन जो है वो नंबर ऑफ शेल को रिप्रेजेंट करेगा। तो अगर ये दोनों चीजें हमें पता हो तो हम बता सकते हैं कि किस एटम में कौन से शेल में इलेक्ट्रॉन जब घूम रहा है तो उसकी रेडियस क्या होगी, ठीक है। तो इससे हमें वो रेडियस आ जाएगी, लेकिन ध्यान रखिए रेडियस बेटा पिकोमीटर में आएगी आपके पास, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। फिर हम बात करें वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन की अलग अलग ऑर्बिट के अंदर, ठीक है, और अलग अलग एटम के अंदर। तो उसके लिए जो हमारे पास फॉर्मूला है वो ये है, ठीक है, ये सेंटीमीटर सेकेंड इनवर्स में आपके पास में वेलोसिटी आ जाएगी इलेक्ट्रॉन की। जेड यहां पर एटॉमिक नंबर हो सकता है, जैसे हाइड्रोजन के लिए 1, हीलियम के लिए 2, लिथियम के लिए 3, और एन शेल है, हमें पता है कि एन की वैल्यू 1, 2, 3, 4, 5 कुछ भी हो सकती है, ठीक है। तो उससे हमें पता चल जाएगा किसी भी शेल में जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है उसकी वेलोसिटी क्या होगी, तो उसकी वेलोसिटी अपन इससे फाइंड कर सकते हैं। अब बात करते हैं द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज क्वांटाइज्ड एंड द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व ओनली इन दोज ऑर्बिट विच हैव फिक्स्ड वैल्यू ऑफ एनर्जी। यहां कहा गया है कि जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी होती है वो क्वांटाइज्ड होती है, इलेक्ट्रॉन जिस शेल के अंदर घूम रहा है उसकी एनर्जी फिक्स होती है, न कम न ज्यादा, जब तक इलेक्ट्रॉन उसमें घूमेगा उसकी एनर्जी फिक्स रहेगी, ठीक है। तो जैसे मैंने यहाँ बताया था कि ई1 मतलब फर्स्ट शेल की एनर्जी कम है, सेकेंड की ज्यादा, थर्ड की और ज्यादा, फोर्थ की और ज्यादा, लेकिन हर शेल की एनर्जी फिक्स होती है, ठीक है, हर एनर्जी, इसलिए हम इनको क्या बोल रहे हैं, एनर्जी लेवल कह रहे हैं, स्टेशनरी लेवल भी कहते हैं अपन इन्हें, क्योंकि इनकी एनर्जी जो होती है वो फिक्स होती है, ठीक है। दूसरी बात, एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एच अपॉन 2 पाई। इलेक्ट्रॉन हमें पता है कि एक सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, अगर वो लीनियर मोशन करता है इलेक्ट्रॉन तो उस कंडीशन में तो हम केवल मोमेंटम की बात करते हैं, लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, एक पर्टिकुलर एंगल चेंज करता जा रहा है रिवोल्यूशन के साथ में, तो हम उसके लिए एंगुलर मोमेंटम की बात करते हैं। तो एंगुलर मोमेंटम जो होता है बेटा ध्यान रखना, एंगुलर मोमेंटम जो होता है किसी भी इलेक्ट्रॉन के लिए वो हमेशा ध्यान रखें एच अपॉन 2 पाई का इंटीग्रल मल्टीपल होता है, यानी जितने भी एंगुलर मोमेंटम हमें मिलेंगे किसी भी शेल के अंदर वो हमेशा एच अपॉन 2 पाई के मल्टीपल में ही मिलेंगे। तो वहां पर एन जो है कोई इंटीजर है, नेचुरल नंबर, जैसे 1, 2, 3, 4, 5 कुछ भी हो सकता है, और एच अपॉन 2 पाई तो आना ही आना है। इस तरह के क्वेश्चन कई बार पूछ ले जाते हैं कि आपसे पूछा जाए कि बताइए कि सेकेंड शेल के अंदर घूमते हुए इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, तो आपको क्या करना है, जैसे एम वी आर इक्वल्स टू, अब एन की वैल्यू क्योंकि सेकेंड शेल कह रहा हूं तो 2 लिखेंगे, 2h अपॉन 2 पाई, तो 2 से 2 कैंसिल करते हैं तो h अपॉन पाई, तो h अपॉन पाई क्या है, एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू है किसके लिए, किसके लिए, उस इलेक्ट्रॉन के लिए जो सेकेंड शेल में घूम रहा है। और यहाँ एच और पाई की वैल्यू हमें पता है क्योंकि दोनों कॉन्स्टेंट है, एच प्लैंक कॉन्स्टेंट है और पाई जो है वो 3.14 होती है वैल्यू, तो हम इसका एंगुलर मोमेंटम फाइंड कर सकते हैं, इस तरह से किया जा सकता है। नेक्स्ट है, इलेक्ट्रॉन इन इट्स नॉर्मल लोवेस्ट एनर्जी स्टेट डू नॉट लूज और गेन एनर्जी एंड कीप ऑन रिवॉल्विंग इन इट्स ऑर्बिट। जब इलेक्ट्रॉन अपने नॉर्मल एनर्जी लेवल उसमें है, एनर्जी लेवल में है, तो उस समय वो उसमें रिवॉल्व करता रहता है, न तो एनर्जी लूज करता है और न एनर्जी गेन करता है, ठीक है ना। तो यहां इस पॉइंट से ध्यान रखना बेटा, रदरफोर्ड के जो ड्रॉबैक थे उस एक ड्रॉबैक का आंसर यहां पर आ जाएगा हमारे पास में, क्योंकि रदरफोर्ड ने कहा था कि जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है तो एनर्जी लूज करके अपने न्यूक्लियस में गिर जाना चाहिए, ठीक है, लेकिन जैसे यहाँ कहा गया है कि हर शेल की या हर एनर्जी लेवल की एनर्जी जो होती है वो फिक्स होती है, और जब इलेक्ट्रॉन उसमें घूम रहा होता है तो वो न तो एनर्जी को लूज करता है और न ही एनर्जी को गेन करता है, ठीक है। ओके, एनर्जी इज इमिटेड और एब्जॉर्ब ओनली व्हेन द इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम वन ऑर्बिट टू अदर। अगर इलेक्ट्रॉन एक ही ऑर्बिट में घूम रहा है जब तक तो एनर्जी का लॉस नहीं होगा, लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन जंप करता है एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में, जैसे लोअर से हायर में जाता है तो एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, और हायर से लोअर में आता है तो एनर्जी को रिलीज करेगा, ठीक है। तो
यही बात यहाँ पर बताई गई है, द अमाउंट ऑफ एनर्जी इमिटेड और एब्जॉर्ब इज गिवन बाय। अब वो एनर्जी कैसे फाइंड करें कि ई टू माइनस ई वन करते हैं, जो एनर्जी चेंज हुई है, इमिट हुई है या रेडिएट वो एब्जॉर्ब हुई है, तो ई टू तो क्या है आपके पास आउटर शेल है और ई वन क्या है इनर वाला शेल या ऑर्बिट है, तो इनमें से अगर डिक्रीज करेंगे तो इनकी चेंज इन एनर्जी जो है वो आ जाएगा हमारे पास में। ठीक है, इसको आप यूं समझ सकते हैं, जैसे मैं यहाँ इस डायग्राम की हेल्प से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे ये हमारे पास में न्यूक्लियस है, एक शेल मैंने यहां बनाया और दूसरा शेल मैंने यहां बनाया। अब हमें बताएं कि ये जो एनर्जी लेवल है इसकी एनर्जी यहां पर E2 है, इलेक्ट्रॉन जो घूम रहा है, और अंदर वाला जो है इसकी एनर्जी E1 है। अब अगर मान लीजिए इलेक्ट्रॉन यहां से अंदर की तरफ आता है तो हमें पता है कि बाहर वाले शेल की एनर्जी ज्यादा है, आउटर शेल की एनर्जी ग्रेटर होती है, तो ग्रेटर एनर्जी से जब वो लोअर एनर्जी वाले ऑर्बिट के अंदर एंटर कर रहा है तो नेचुरल है कि एनर्जी को क्या करेगा, रिलीज करेगा। तो एनर्जी जो है वो ध्यान रखना बेटा बाहर निकल जाएगी रेडिएशन की फॉर्म में। ठीक है, एनर्जी बाहर निकल जाएगी। अब वो एनर्जी कितनी बाहर निकली, कितनी रेडिएशन हुआ, हमें कैसे पता चलेगा, हम इसको ई टू में से ई वन माइनस करके फाइंड कर सकते हैं, जिसे हम डेल ई कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गई बात। अब इसका अपोजिट करें, हम इसको रफ करता हूं मैं, अब इसका अपोजिट करते हैं। देखिए, अब मैं कह रहा हूं कि इलेक्ट्रॉन जो है आउटर से इनर में नहीं जा रहा है, इनर से आउटर में जा रहा है। अब इलेक्ट्रॉन जो है सपोज यहां से यहां पर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा था और इसको कहीं से एनर्जी मिल गई, एनर्जी मिल गई तो नेचुरल है जिसकी एनर्जी मिल जाएगी तो वो अपने शेल में नहीं रहेगा, वो ज्यादा एनर्जी वाले शेल के अंदर चला जाएगा। जैसे एक सिंपल सा एग्जाम्पल लेते हैं, अगर मान लीजिए अपन किसी का इकोनॉमिकल स्टेटस थोड़ा हाई हो जाता है तो वो अपने जो फैसिलिटीज होती है उनको बढ़ा देता है। पहले जिस घर में रह रहा था, छोटे घर में, अगर उसके पास में इकोनॉमिकल स्टेटस इंक्रीज हुआ है तो नेचुरल है कि वो क्या करेगा, बड़े घर में जाएगा, ज्यादा वेल्दी घर में जाएगा। तो सिमिलरली अगर इलेक्ट्रॉन अभी कम एनर्जी वाले शेल में है, अगर बाहर से इसको एनर्जी मिल गई, इसने एनर्जी को एब्जॉर्ब किया, तो नेचुरल है कि ये इस शेल में रिवॉल्व नहीं करेगा, अब इसको ज्यादा एनर्जी वाला शेल चाहिए, तो इसके लिए क्या करेगा, ये आउटर शेल के अंदर चला जाएगा यहाँ पर। ठीक है, E2 के अंदर एंटर कर दिया ये। तो अब हमें वापस से एनर्जी निकालनी है तो कैसे फाइंड करें, E2 माइनस E1 इक्वल्स टू डेल E की वैल्यू वापस आ जाएगी। ठीक है, लेकिन एक में वैल्यू पॉजिटिव आएगी और एक में नेगेटिव आएगी, और ये आपको पता है क्यों, क्योंकि जब आउटर से इनर में जा रहा है, आउटर से इनर में जा रहा है तो इसका मतलब आउटर की एनर्जी ज्यादा है और इनर की कम है, तो एनर्जी बाहर निकल गई तो चेंज इन एनर्जी पॉजिटिव, और अगर इनर से आउटर में जा रहा है तो जब अपन सेपरेट करेंगे E2 में से E1 तो हमारे पास नेगेटिव वैल्यू आएगी क्योंकि एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है। ठीक है, तो ये कुछ मैंने पॉइंट्स आपको बता दिए हैं, ये सारे पॉइंट्स जो है बोर्स मॉडल को एक्सप्लेन करते हैं, इन्हें हम बोर मॉडल कहते हैं, और बोर मॉडल रदरफोर्ड के मॉडल को एक तरह से इंप्रूव करने के लिए दिया गया था, उसमें जो ड्रॉबैक्स थे उसको काफी हद तक बोर मॉडल के अंदर ठीक किया गया। ठीक है, इसके बाद हम बोर मॉडल से रिलेटेड कुछ चीजें और पढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ओके, ये नोट डाउन कर लें आप लोग।